गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ईशा, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, सो टुडे एज यू नो वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग द डायग्राम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इट इज अ मार्केट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स प्रोड्यूस द होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, इन प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस डे वी जस्ट प्रैक्टिस द डायग्राम ऑफ रेवेन्यू कर्व अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। इसमें हमने पढ़ा था द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट रेवेन्यू कर्व आर पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता है उसमें जो रेवेन्यू कर्व होते हैं वो ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री डिसाइडेड द प्राइजेस ऑन बिहाफ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई and firms only take the prices and just decided the quantity of production। yani industry decide karti hai keemat ko aur firm jo manufacturing unit hai wo us price par apni costing ko adjust karke production karti hai। so today we just aaj hum padhenge output determination इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, क्योंकि प्राइजेस ऑलरेडी गिवन है। प्राइजेस को आपको टच नहीं करना है, दे आर ऑलरेडी गिवन। सो फर्म आर ओनली प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर, वो सिर्फ क्वांटिटी को एडजस्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टॉक अबाउट द शॉर्ट टाइम पीरियड। शॉर्ट रन पीरियड की अगर हम बात करें, शॉर्ट रन पीरियड इज अ टाइम वेयर टाइम इज लिमिटेड, बहुत कम समय होता है। सो यहां पर तीन कंडीशंस होती हैं, आइदर द फर्म गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और ही गेन द लॉस। इन द शॉर्ट रन पीरियड द फर्म उस समय एग्जिट नहीं कर पाती है, द फर्म डजंट एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, चाहे वो लॉस को गेन कर रही है। कोई भी फर्म वो मार्केट में एग्जिस्ट करती है शॉर्ट टर्म में, वो कभी भी क्विट नहीं कर सकती चाहे उसे लॉस मिले। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो शॉर्ट टर्म पीरियड है उसमें तीन कंडीशन मैंने आपको बताई कि यू हैव टू टेक नॉर्मल प्रॉफिट, कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट, आइदर यू हैव टू टेक नॉर्मल प्रॉफिट और एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, एंड यू जस्ट टेकिंग द लॉस। ठीक है, सो थ्री कंडीशंस आर इन शॉर्ट टर्म पीरियड, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू क्लियर वॉट इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज अ कंडीशन वेयर फर्म्स कॉस्ट इज जस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू। जब फर्म की एवरेज कॉस्ट उसके रेवेन्यू के बराबर होती है, इट इज द टाइम वेयर फर्म इज जस्ट गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। यानी जो फर्म की खर्चे हैं वो इसकी इनकम के बराबर हैं, तो ना फर्म को प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस। सो दिस कंडीशन इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पर हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू, इट्स ओ एक्स एक्सेस, इट्स ओ वाई एक्सेस। आई एम टेकन प्राइजेस हियर एंड क्वांटिटी या प्रोडक्शन ऑन ओ वाई एक्सेस। ओ एक्स एक्सेस पे मैंने प्रोडक्शन लिया है, क्वांटिटी लिया है और ओ वाई पे मैंने प्राइस लिया। एज यू नो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट द प्राइजेस आर कॉन्स्टेंट, सो योर रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल टू ओ एक्स एक्सेस। क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में हम पढ़ चुके हैं प्राइजेस दिए हुए हैं आपको इंडस्ट्री के थ्रू, सो इट इज कॉन्स्टेंट। और यही कारण है द पर यूनिट प्राइजेस एंड द एडिशनल प्राइजेस आर फिक्स्ड, तो ए आर इक्वल्स टू एम आर। ओके, नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट वेयर कॉस्ट इज जस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू। हम पहले पढ़ चुके हैं इन द कॉस्ट चैप्टर, जहां हम एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू की बात करनी है, वहां पर कॉस्ट में आएगा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट वहां पर आएगा।
क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट है तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू में कोई गैप नहीं है. दिस इज शॉर्ट टाइम एवरेज कॉस्ट विच इज यू शेप. हम कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. द शॉर्ट टाइम एवरेज कॉस्ट इज यू शेप कॉस्ट कर्व होता है. स्टार्टिंग में कॉस्ट डिक्रीज होती है, फिर मिनिमम होकर इंक्रीज होने लगती हैं. एक शॉर्ट टाइम एवरेज कॉस्ट करके साथ एक SMC शॉर्ट टाइम मार्जिनल कॉस्ट कर्व पाया जाता है. हियर दिस इज द पॉइंट वेयर MC इक्वल्स टू MR. यहां MC कर्व MR को काट रहा है. दिस इज द पॉइंट MC इक्वल्स टू MR. ये फर्म का इक्विबीरियम पॉइंट होता है. इट्स फर्म इक्विबीरियम पॉइंट. A firm is produce the output on the point MC equals to MR. कोई भी फर्म अगर प्रोडक्शन करेगी जहां उसकी एडिशनल कॉस्ट उसकी एडिशनल रेवेन्यू के बराबर होगी वहां पर वो प्रोडक्शन करेगी. इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं दिस इज द पॉइंट ई वेयर MC equals to MC curve cut the MR curve. सो वी जस्ट प्रोड्यूसिंग ओ क्यू यूनिट. हम क्या देख रहे हैं ऑन MC equals to MR पॉइंट फर्म प्रोड्यूस ओ क्यू क्वांटिटी. ठीक है, MC इक्वल्स टू MR पे क्या हो रहा है, फर्म का इक्विबीरियम हो रहा है. दिस इज द पॉइंट ई वेयर MC इक्वल्स टू MR. सो फर्म प्रोड्यूस ओ क्यू क्वांटिटी. फर्म में कितने की ओ क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस की. नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट को अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, क्योंकि मेरा प्रॉफिट यहां कैसा है, नॉर्मल प्रॉफिट है. नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू. यानी जब आपकी कॉस्ट रेवेन्यू के बराबर होती है तब आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है. सो ऑन ओ क्यू प्रोडक्शन, जब आप ओ क्यू का प्रोडक्शन करते हैं यूनिट्स का, कॉस्ट इज, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉस्ट कितनी है. जब आप ओ क्यू का प्रोडक्शन कर रहे हैं कॉस्ट इज AC, तो दैट इज EQ. कॉस्ट आपकी है इक्वल्स टू EQ. एंड रेवेन्यू, अब हमें यहाँ रेवेन्यू भी देखना है कि रेवेन्यू कितना है. जब हमने रेवेन्यू देखा, रेवेन्यू इज ऑल्सो EQ. रेवेन्यू भी क्या है, EQ. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू. कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू. सो नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, ये वो कंडीशन है जहां पर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा. जितनी कॉस्ट है उतना ही रेवेन्यू है. इसलिए यहां पर क्या हो गए, नॉर्मल प्रॉफिट. ये समझ में आ गया नॉर्मल प्रॉफिट. यहां तक समझ में आ गया बेटा? कनिका, यहां पर क्लियर हो गया? ये आगे बताऊं? यस मामा. सेकंड जो प्रॉफिट है विच गेन इन द शॉर्ट रन पीरियड, दैट इज एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट. अब ये एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जहां पर कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू हो. एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वेयर कॉस्ट इज लेस एंड रेवेन्यू इज मोर. इसमें देखेंगे हम डायग्राम से. इट्स OX एक्सिस. आई एम टेकिंग क्वांटिटीज हियर. ऑन OY एक्सिस आई एम टेकन प्राइस. एज यू नो प्राइस आर गिवन. सो इट्स योर AR इक्वल्स टू MR. प्राइस आपको दी गई है. सो योर रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल टू OX एक्सिस. जो आपका रेवेन्यू कर्व है वो OX एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट. तो रेवेन्यू से कॉस्ट क्या होगी, कम. कॉस्ट आपको पता है SAC कर्व आएगा और SAC के साथ SMC कर्व. कंडीशन ध्यान रखेंगे, सबसे पहला फर्म का इक्विबीरियम. फर्म का जो इक्विबीरियम होता है दैट इज ऑन MC इक्वल्स टू MR. जहां फर्म प्रोडक्शन करेगी, जहां फर्म का इक्विबीरियम होता है
वहाँ फर्म प्रोडक्शन करती है, तो एम सी कर्व देख रहे हैं यहाँ पर फर्म का इक्विबीरियम हो रहा है ए पॉइंट पे, यहाँ एम सी इक्वल्स टू एम आर है, दिस इज द पॉइंट ऑन द ए पॉइंट एम सी इक्वल्स टू एम आर। सो फर्म प्रोड्यूस ओ क्यू क्वान्टिटीज, प्रोडक्शन कितना हो गया यहाँ पर, प्रोडक्शन इक्वल्स टू ओ क्यू क्वान्टिटीज, ठीक है। फर्म ने कितना प्रोडक्शन किया, ओ क्यू क्वांटिटी का किया, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ ओ क्यू क्वांटिटीज कॉस्ट, इसमें हम देखेंगे अब कॉस्ट कितनी आई, जब हमने ओ क्यू क्वांटिटी बनाई हमें क्वांटिटी एडजस्ट करनी है, तो कॉस्टिंग देखेंगे, कॉस्टिंग देख रहे हैं कॉस्ट इज बी क्यू यहां तक, क्योंकि हम कॉस्ट किससे करते हैं, एसी से देखते हैं, तो कॉस्ट कितनी हो गई बी क्यू, एंड योर रेवेन्यू, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कितना है ए क्यू, ठीक है, रेवेन्यू इज ए क्यू, हियर रेवेन्यू इज मोर देन किससे ज्यादा है कॉस्ट, क्योंकि जो ए क्यू है दैट इज ग्रेटर देन बी क्यू, रेवेन्यू क्या है कॉस्ट से ज्यादा है, इक्वल्स टू ए बी जो आपका है वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ए बी आपका एक्सटर्नल, अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें सो दैट एरिया इज नॉन एज द टोटल प्रॉफिट, अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें टोटल प्रॉफिट एरिया जो आपका है दैट इज पी ए बी सी, दैट इज योर टोटल प्रॉफिट एरिया, समझ में आ गया ये, ओके। नेक्स्ट जो थर्ड सिचुएशन है आपकी दैट इज लॉस, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको लॉस हो, ठीक है, लॉस का मतलब कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू, जब आपकी कॉस्ट आपके रेवेन्यू से ज्यादा होती है तो किसी भी फर्म को लॉस होता है, इसको भी हम डायग्राम से बताते हैं, ये ओ एक्स एक्सिस है जिस पे हमने क्वांटिटीज ली, ओ वाई एक्सिस पे आप प्राइस लेंगे, प्राइस आपको क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है गिवन है, इसलिए आपका रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, आपको क्या करना है आपको सिर्फ क्वांटिटी को एडजस्ट करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कॉस्ट, तो यदि आपको लॉस मिल रहा है इसका मतलब आपकी कॉस्टिंग रेवेन्यू से क्या है ज्यादा ज्यादा है, तो उससे ऊपर ये आपका हो गया एस ए सी कर्व, इसके साथ एस एम सी कर्व, वापस अपनी इक्विबीरियम पे आइए कि फर्म का इक्विबीरियम कहाँ होता है, सो फर्म के इक्विबीरियम की कंडीशन है एम सी इक्वल्स टू एम आर, यानी जहां फर्म वहां प्रोडक्शन करेगी जहां एम सी इक्वल्स टू एम आर है, हम देखते हैं ये एम सी कर्व यहाँ एम आर को काट रहा है क्या बेटा, एम सी कर्व यहाँ काट रहा है, नहीं नीचे काट रहा है, नहीं यहाँ तो ए सी को कट कर रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है आपका एम सी इक्वल्स टू एम आर, मान लीजिए हमने कहा ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे एम सी इक्वल्स टू एम आर है, सो वी हैव टू प्रोड्यूस ओ क्यू यूनिट, हमें यहाँ पर प्रोडक्शन करना है, सो ऑन फर्म इक्विबीरियम प्रोडक्शन, जब हमने फर्म का इक्विबीरियम देखा तो हमारा प्रोडक्शन है ओ क्यू, ठीक है, अब हम देखते हैं इस पे कॉस्टिंग कितनी है, सो ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ओ क्यू क्वांटिटीज, इस पे हम देखेंगे हमारी कॉस्ट कितनी है, जब हम प्रोडक्शन करते तो हमने देखा कॉस्ट कितनी है ओ क्यू पे देखनी है, कॉस्ट तक चले ये आपकी कॉस्ट हो गई, इसको हमने नाम दिया बी, तो हमारी कॉस्ट तो है बी क्यू, एंड रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं दैट इज ए क्यू, हेयर जो आपका कॉस्ट है कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू, क्योंकि लॉस हो रहा है ना, तो आपकी कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा है, यानी जो आपका बी क्यू है दैट इज ग्रेटर देन ए क्यू, देख रहे हैं ये आपका जो बी क्यू का प्रपोर्शन है वो ए क्यू से ज्यादा बड़ा है,
तो आपका जो ए बी है दैट इज लॉस. और अगर हम टोटल लॉस की बात करते हैं, लॉस एरिया की, अगर हमने इसको सी नाम दिया तो पी सी बी ए, ये आपका टोटल लॉस एरिया हो गया. ठीक है. सो दीज आर द थ्री कंडीशन विच आर फर्म फेस्ड, आइदर ही गेटिंग द नॉर्मल प्रॉफिट और एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट और द लॉस. लेकिन किसी भी कंडीशन में वो बाहर क्विट नहीं करेगी, चाहे उसे लॉस हो रहा है. यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है? मैम एक चीज पूछनी थी. हाँ पूछो. लॉस कब होता है ना? हाँ हाँ, क्योंकि कटिंग में ना बियर करना पड़ता है अपनों को. लॉस होता है तो माइनर सा होता है, ज्यादा नहीं होता. देखिए अब आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में अगर लॉस हुआ, ठीक है, माइनर सा होता है. यहाँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. देखिए शॉर्ट टर्म जो होता है उसमें दो तरह की कॉस्ट होती है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. क्योंकि फैक्टर्स क्या होते हैं, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सम आर कॉन्स्टेंट. तो कॉस्ट भी दो तरह की है, फिक्स्ड और वेरिएबल. ठीक है. अगर आपको फिक्स्ड कॉस्टिंग का लॉस होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको जीरो प्रोडक्शन से लेकर हाईएस्ट प्रोडक्शन तक बेयर करनी पड़ेगी. तो अगर आपको फिक्स कॉस्ट का लॉस होता है तो आपको क्विट नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट का लॉस होता है तो आपको प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए. इसको मैं एक डायग्राम से आपको बताती हूँ, ठीक है. यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, और आपने कहा मैम अगर शॉर्ट रन में लॉस होता है, ठीक है, तो क्या हमें क्विट करना चाहिए क्या? हाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हमें फिक्स कॉस्ट का लॉस हो रहा है. लेकिन अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट का भी लॉस होता है तो हमें शट डाउन पॉइंट यानी हमें क्लोज कर देना चाहिए. इसे बोलते हैं शट डाउन पॉइंट. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? शट डाउन पॉइंट कहते हैं, जहां पर एक फर्म को लॉस होने पर, किसका लॉस? वेरिएबल कॉस्ट का लॉस होने पर उसे मार्केट से क्विट कर देना चाहिए. इसको एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं. ये ओ एक्स एक्सिस है, यहाँ मैंने आपका प्रोडक्शन या क्वांटिटी कुछ भी कह सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिया, और ओ वाई पे आई जस्ट एक प्राइस यहाँ पे मैंने ले ली. मान लीजिए फर्म ने, इंडस्ट्री ने फर्म को प्राइस दी पी, क्योंकि इंडस्ट्री क्या है? प्राइस मेकर है, और फर्म क्या है? प्राइस टेकर. तो इसलिए फर्म का ये रेवेन्यू कर्व हो गया ए आर इक्वल्स टू एम आर. ठीक है. अब मान लीजिए इस प्राइजेस पर फर्म को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसकी कॉस्ट उसके रेवेन्यू से कम है, ये आपका एस एम सी. ठीक है. इक्विबीरियम आपको पता है कि फर्म का इक्विबीरियम कहाँ होगा? अगर हम फर्म्स के इक्विबीरियम की बात करें तो हमने कहा एम सी इक्वल्स टू एम आर. ठीक है. हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? एम सी इक्वल्स टू एम आर हो रहा है, हो रहा है. सो वी हैव टू प्रोड्यूस ओ क्यू यूनिट, क्योंकि यहाँ एम सी इक्वल्स टू एम आर हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू प्रोड्यूस ओ क्यू यूनिट. ठीक है. ये आपका हो गया रेवेन्यू, और यहाँ पर हो गई आपकी कॉस्ट बी पॉइंट. सो ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ओ क्यू यूनिट्स, अगर आप ओ क्यू यूनिट्स प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट इज, अगर आप कॉस्ट देख रहे हैं दैट इज बी क्यू, कॉस्ट आपकी है बी क्यू. एंड रेवेन्यू, अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं दैट इज ए क्यू, कॉस्ट इज लेस देन रेवेन्यू. यहां पर जो हमारी कॉस्ट है दैट इज बी क्यू और रेवेन्यू है ए क्यू, तो ए क्यू बड़ा है, आपको क्या हो गया? ए बी प्रॉफिट हो गया. ए बी क्या हो गया आपका? प्रॉफिट एरिया हो गया, और ये टोटल जो एरिया है दैट इज योर प्रॉफिट एरिया. ठीक है. मान लीजिए ड्यू टू सम रीजंस द इंडस्ट्री डिक्रीजेस द प्राइसेस, किसी कारण से इंडस्ट्री ने प्राइस कम कर दिए. ओके. नाउ द प्राइसेस इज पी वन, ड्यू टू सम रीजन, किसी भी कारण से
प्राइजेस कम हो गए हैं नाउ, अब आप इस रेवेन्यू कर पे नहीं रह सकते क्योंकि यू आर जस्ट प्राइस टेकर, आप इस प्राइस पे नहीं बेच सकते, आपको इस पर बेचना पड़ेगा. नाउ योर रेवेन्यू कर इज AR1 एंड MR1. अब ये आपका रेवेन्यू कर है. ऑन दिस रेवेन्यू कर हियर MC=MR, देख रहे हैं इस रेवेन्यू कर पे MC=MR यहाँ हो रहा है. अब आप ओ क्यू नहीं बनाएंगे, नाउ यू हैव टू प्रोडक्ट ऑन P1 पे आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं, Q1, ठीक है. अब आप P1 जब प्राइजेस हैं तो आप क्यू क्वांटिटी नहीं बना रहे, आप कितनी बना रहे, Q1 बना रहे. अब यहां पर देखिए ऑन Q1 क्वांटिटी या यूनिट्स कॉस्ट इज, यहां पर अगर हम कॉस्ट देखें, अगर हम इसको सी पॉइंट बोलें, कॉस्ट है आपकी सी क्यू. और रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू भी यहीं पर है आपका, देख रहे हैं कॉस्ट भी यहीं पर है और रेवेन्यू यहां पर है, तो रेवेन्यू भी आपका हो गया सी क्यू. तो यहां पर क्या हो गया आपका, नो प्रॉफिट यानी नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है. पहले आपको बहुत फायदा हो रहा था पी प्राइसेस पर, लेकिन P1 जब कीमत हुई तो भी आप मार्केट से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं. मान लीजिए इंडस्ट्री अगेन डिक्रीजेस द प्राइजेस, इंडस्ट्री ने फिर प्राइजेस घटा दी, नाउ इट इज P2, तो आपका रेवेन्यू कर्व हो गया AR2 और MR2. नाउ MC=MR हियर, अब यहाँ MC=MR हो रहा है, सो यू हैव टू प्रोड्यूस Q2 यूनिट्स. आपको क्या बनाना है, Q2 यूनिट्स बनानी. When you produce Q2 unit, यानी on the production of OQ2 units, जब आप OQ2 units का production करते हैं तो क्या देखते हैं, revenue तो आपका यहाँ पर है D point पर और आपकी cost ऊपर चली गई है E point पर, ठीक है. तो यहाँ पर units पे cost equals to EQ और आपका रेवेन्यू जो रह गया दैट इज डी क्यू. सो DE, जो DE एरिया है ये आपका लॉस है, ये देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है ये आपका लॉस वाला एरिया हो गया, ठीक है. लेकिन इस लॉस के बाद भी आप क्विट नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट टाइम में अभी जो आपको लॉस हो रहा है दैट इज वो फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हो रहा है, ठीक है. इसलिए आप मार्केट से क्विट नहीं करेंगे. लेकिन अगेन इफ अगेन द इंडस्ट्री विल डिक्रीजेस द प्राइजेस फ्रॉम P2 से क्या कर देती है P3. नाउ यू, अब आप कहां पर हैं, अब आप नए रेवेन्यू कर्व पर आ जाते हैं. जब आप नए रेवेन्यू कर्व पर आते हैं, ये आपका AR3 और MR3. अब आप इस पे नहीं रह सकते, यहां पर हो रहा है आपका MC=MR, सो यू हैव टू प्रोड्यूस Q3 यूनिट. आपने कितनी बनाई, Q3 यूनिट्स बनाई, ठीक है. लॉस होने के बाद भी आप प्रोडक्शन करेंगे, आपको लॉस हो चुका है फिर भी आप प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि अभी तक तो लॉस था वो किसका था, वेरिएबल कॉस्ट का नहीं था, फिक्स कॉस्ट का था. लेकिन तभी प्रोडक्शन करेंगे जब इस प्राइस में AVC हो, यानी जो P=AVC पॉइंट होता है दैट इज शट डाउन पॉइंट, ठीक है. यहां पर क्या देख रहे हैं आप, लॉस होने के बाद भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जो लॉस था P2 प्राइसेस में जो लॉस हो रहा था वो केवल फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस था. लेकिन जब हम P3 पर आते हैं अब हमें फिक्स कॉस्ट के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट का भी लॉस होता है. सो दिस इज द पॉइंट वेयर फर्म कैन शट डाउन, यानी फर्म को अपना उत्पादन बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब उसे दोनों कॉस्टिंग बियर करनी ही पड़ रही है, फिक्स कॉस्ट भी अपनी जेब से दे रहा है और वेरिएबल कॉस्ट भी अपनी जेब से दे रहा है. सो P=AVC इज द पॉइंट विच इज नोन एज शट डाउन पॉइंट. अब समझ गए कि लॉस होने पर भी फर्म को किस समय तक मार्केट में शॉर्ट रन में अवेलेबल होना चाहिए, जब तक उसे फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हो रहा है. अगर उसे वेरिएबल कॉस्ट का भी लॉस हो रहा है तो उसे शट डाउन कर देना चाहिए, अपना प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर देना चाहिए. नाउ इट इज क्लियर, यस मैम, ये अच्छी तरह समझ में आ गया.
यस मैम, चलो आज इतना ही करेंगे. ओके, हैव ए नाइस डे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे मैम. थैंक यू.